The number one T20 international batter, Surya Kumar Yadav. आपने तो उनकी जर्नी 2014 से देखी है एंड आपने ये भी बोला था कि योर रिग्रेट वॉज नॉट यूजिंग हिम एट नंबर 3. हाँ एब्सोल्युटली, अगर मेरे 7 साल के कैप्टनसी में अगर एक रिग्रेट है तो जैसे मैंने बताया आपको कि एक लीडर का सबसे बड़ा रोल है अपने प्लेयर्स का बेस्ट पोटेंशियल बाहर लेके आना और दुनिया को दिखाना. अगर उस 7 साल की कैप्टनसी में एक चीज़ जो मैं रिग्रेट करता हूँ कि जो मैं नहीं कर पाया, वो इसलिए कि मैं और एज अ टीम हम सूर्य को उस तरीके से यूज़ नहीं कर पाए जिस तरीके से जितना सूर्य का पोटेंशियल था. और वो रीजंस बहुत हैं, बिकॉज आपका कॉम्बिनेशन, आप किसको नंबर 3 पे खिलाना चाहते थे, कौन नंबर 7 पे आपको ज़्यादा यूजफुल हो सकता था. लेकिन कई बार आप एक ही प्लेयर को तो नंबर 3 पे खिला सकते हैं. और जब एज अ लीडर आप सिर्फ एक प्लेयर के बारे में नहीं सोचते, आप बाकी 10 प्लेयर के बारे में भी सोचते हैं कि किसको कहाँ पर बेटर मैं यूज़ कर सकता हूँ. तो अगर शायद वो टीम कॉम्बिनेशन होता तो सूर्य अगर नंबर 3 पे खेलते तो बहुत ज़्यादा और इफेक्टिव होते, लेकिन नंबर 7 पे भी इक्वली इफेक्टिव रहे अगेन. और इसमें मेरे को कोई शक नहीं है कि जो सूर्य कुमार यादव ने अभी तक अचीव किया T20 क्रिकेट में, थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि उतना इम्पैक्ट 50 ओवर्स में नहीं क्रिएट किया जितना T20 क्रिकेट में किया, क्योंकि इस खिलाड़ी के पास वो पोटेंशियल है जो वो 50 ओवर्स में भी अभी तक उसने वो अचीव नहीं किया. बट अगेन 2014 से जब पहली बार मैंने सूर्य को देखा था, इनफैक्ट को लगता था कि इस खिलाड़ी में कितनी ज़्यादा क्षमता है. और आज गुड ऑन हिम कि आज पूरा देश देख रहा है कि जिस तरीके का उनका कैलिबर है. और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि जिस तरीके का टीम मैन था. देखिए एबिलिटी बहुत खिलाड़ियों के पास होती है, लेकिन टीम मैन, एक अच्छा टीम मैन बनना बहुत मुश्किल काम है. और आपको नंबर 7 पे खिलाया जाए, नंबर 6 पे खिलाया जाए, 8 पे खिलाया जाए, आपको नहीं खिलाया जाए, तब भी अगर आपके चेहरे पे स्माइल है, अगर आप टीम के लिए जो टीम चाहती है वो कर रहे हैं, उससे बेहतर क्वालिटी क्या हो सकती है. और वो क्वालिटी थी सूर्य में. दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि हमने उसको वाइस कैप्टन भी अपॉइंट किया था. सर, स्काई हैज सेड दैट यू वर द फर्स्ट हु पुट फेथ इन हिज टैलेंट. या बिकॉज़ आई सॉ दैट एबिलिटी इन हिम एंड आई न्यू दैट व्हाटएवर ही इज गोना अचीव, ही इज गोना अचीव सम ग्रेट थिंग्स. एंड अगेन आई थिंक अ लॉट ऑफ क्रेडिट नीड्स टू गो टू हिम फॉर हिज हार्ड वर्क, फॉर रिकॉग्नाइजिंग हिज एबिलिटी. लेकिन अच्छी चीज ये है कि अब दुनिया वो टैलेंट देख रही है. और अभी भी जैसे मैंने आपको बोला कि अभी भी आई थिंक ही शुड नॉट बी सैटिस्फाइड, बिकॉज सूर्य कुमार यादव सिर्फ वन फॉर्मेट प्लेयर नहीं. सूर्य कुमार यादव के पास जितनी एबिलिटी है वो 50 ओवर और इवन टेस्ट क्रिकेट में एबिलिटी है. लेकिन अगर आप अपने आप को सिर्फ वन फॉर्मेट प्लेयर बना के रख देंगे तो आपने अपने करियर में अंडर अचीव किया. T20 में हम सब जानते हैं कितना डेंजरस है, लेकिन उतना ही डेंजरस ही कैन बी इन 50 ओवर क्रिकेट एज वेल. तो आई होप कि वो सिर्फ अपने आप को सिर्फ वन फॉर्मेट प्लेयर बना के नहीं रह जाएंगे. एंड आई होप कि ही विल कीप वर्किंग हार्ड. देखिए मैं फैंस को ये कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मोर इम्पॉर्टेंटली स्पोर्ट्स क्रीड़ा, जहाँ पर आपको बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियंस मिलेंगी, जहाँ पर आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यूज़ मिलेंगे, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए और देखिए.